this is third class on Hindu Marriage Act 1955. इस वीडियो में हम सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करेंगे, जो बेसिकली व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड टू वैलिडेट अ हिंदू मैरिज, व्हिच मींस सेक्शन 5 बेसिकली कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है। हिंदू विवाह के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें पार्टीज टू द मैरिज को फुलफिल करना होता है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किए जाते हैं तो मैरिज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड मैरिज। तो जो शादी होगा, जो विवाह होगा, वो शून्य होगा, उसका लॉ की नज़रों में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सेक्शन 5 विच डील्स विथ कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, इसमें बेसिकली 5 कंडीशंस आती हैं और जो पार्टीज टू द मैरिज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों को इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो मैरिज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड मैरिज, वो मैरिज वॉइड हो जाएगा, लॉ के नज़र में उस मैरिज का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो क्या क्या कंडीशंस हैं सेक्शन 5 में, उसे हम डिटेल में समझेंगे बेयर एक्ट से लाइन बाय लाइन, और हम कुछ केसेस भी देखेंगे। राइट, चलिए सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ फॉलोइंग कंडीशंस गेट सैटिस्फाइड और फुलफिल्ड। तो दो हिंदूज के बीच जो विवाह है उसे संपन्न माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, यदि ये जो कंडीशंस हैं नीचे दिए गए हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है Neither party has spouse living at the time of marriage. विवाह के समय दोनों ही parties में से किसी का भी उस समय तक कोई living spouse नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो marriage will be treated as void marriage. Example से समझते हैं, मान लो दीज आर द टू पार्टीज, एक्स मेल और वाई फीमेल, तो सबसे पहले इन दोनों का हिंदू होना जरूरी है, राइट। और दूसरा, मान लो इन दोनों के बीच शादी हो रहा है तो एक्स का पहले से कोई जीवित वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए, और वाई जो कि फीमेल है इसका
एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई लिविंग हस्बैंड नहीं होना चाहिए. तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. तो जो पहला कंडीशन है सेक्शन 5 का, वो बेसिकली एक्सोगैमी को प्रमोट करता है, यानी एक विवाह, एकल विवाह को प्रमोट करता है. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बाइगैमी बेसिकली एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट. तो नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है? ये पांचों कंडीशंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो और लेक्चर को ध्यान से अटेंड करते हो. दूसरा क्या है? एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय नाइदर पार्टी, यानी जो मेल फीमेल हैं, जो पार्टीज टू द मैरिज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की बात कर रहा है. एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, इसमें क्लॉज ए कहता है, इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू द मैरिज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो सिंपल ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज बोथ पार्टीज टू द मैरिज मस्ट नॉट बी इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू द मैरिज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. सिंपल सी बात है, जो दोनों पार्टीज टू द मैरिज हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, दोनों पार्टीज अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए. क्लॉज बी कहता है, दो कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, लॉफुल कंसेंट, बट इट्स सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. दोनों पार्टीज में से कोई भी अब ऐसा नहीं है कि लॉफुल कंसेंट देने के लिए वो दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग लॉफुल कंसेंट, लेकिन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, वो मेंटल डिसऑर्डर से इस हद तक ग्रसित हैं या सफर कर रहे हैं कि क्या है, दोनों पार्टी में से कोई भी अनफिट फॉर द मैरिज है, या ये बात दोनों पर्सन्स पर एप्लीकेबल है. एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अब समझो एक पर्सन जो कि कुछ समय के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजरता है, कुछ समय के लिए वो अनसाउंड पर्सन रहता है, फिर कुछ समय के बाद वो नॉर्मल पर्सन हो जाता है. तो जिस समय वो साउंड माइंड का है, उस समय वो लॉफुल कंसेंट देने के लिए क्या है, ही इज कैपेबल. लेकिन ये पर्सन मेंटल डिसऑर्डर से इस हद तक सफर कर रहा है कि ही और शी इज अनफिट फॉर द मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड. तो दोनों की बात हो रही है, राइट. तीसरा क्या कहता है? सफरिंग फ्रॉम, क्लॉज सी कहता है, सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी. दोनों पार्टीज में से किसी को भी, कोई भी पागलपन से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यानी उसे
पागलपन का दौरा नहीं होता हो, मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, राइट। सो दीज आर द टू कंडीशंस। पहला कहता है नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, दूसरा कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी ए इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दूसरा दो कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट लॉफुल कंसेंट बट इट्स सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर द मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। और तीसरा कहता है मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। जो तीसरा कंडीशन है वो क्या कहता है, जिस समय दोनों पार्टीज का मैरिज हो रहा है उस समय तक जो ब्राइड ग्रूम है यानी जो मेल है जो दूल्हा है मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ब्राइड मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। हालांकि माइनर मैरिज पूरी तरह से वैलिड है, दो पार्टीज के बीच अगर मैरिज हो रहा है जिसमें से कोई एक पार्टी माइनर है या दोनों पार्टीज माइनर हैं और प्रॉपर सेरेमनीज के साथ प्रॉपर कस्टम के साथ उनके बीच अगर शादी हुआ है तो वो इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड है, लेकिन ये क्या है, पनिशेबल है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत, राइट। चौथा कंडीशन क्या है, जिन दो पार्टीज के बीच मैरिज हो रहा है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हों। तो इफ पार्टीज टू द मैरिज आर कमिंग विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप तो इट इज वॉइड, अगर उनके बीच मैरिज होता है तो दैट मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड मैरिज। लेकिन अगर उन दोनों के कस्टम यूसेज उन दोनों को अलाउ करते हैं कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आने के बावजूद उन दोनों के बीच विवाह संपन्न हो सकता है, कस्टम एंड यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स और भले ही वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हों अगर उनका कस्टम उनका यूसेज उन्हें अलाउ करता है तो उनके बीच विवाह हो सकता है। पांचवा कहता है पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स दैट मैरिज। जो पार्टीज हैं आपस में सपिंडा रिलेशनशिप से नहीं रिलेटेड होने चाहिए। अगेन अगर दोनों पार्टीज टू द मैरिज सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं फिर भी उनके बीच मैरिज हो सकता है, उनके बीच विवाह संपन्न हो सकता है, तब जब उन दोनों ही पार्टीज टू द मैरिज के कस्टम यूसेज उन्हें अलाउ करते हैं कि सपिंडा रिलेशनशिप में होने के बावजूद आप दोनों के बीच विवाह हो सकता है। दीज आर दी फाइव कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड टू वैलिडेट मैरिज बिटवीन टू पार्टीज, राइट। तो पहला क्या है, नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, दूसरा एट द टाइम ऑफ मैरिज
neither party is incapable of giving valid consent due to unsoundness of mind. Dusra, capable of giving lawful consent but is suffering from mental disorder to such an extent as they are or any of them is unfit for the marriage and for procreation of child. Or Tisa, suffering from recurrent attacks of insanity. Fir kya hai? At the time of marriage, bridegroom has completed 21 years of age and bride must have completed 18 years of age. Parties to the marriage must not belong to degrees of prohibited relationship. हाँ, लेकिन वो विवाह कर सकते हैं अगर उनका कस्टम, उनका यूसेज इस बात के लिए उन्हें अलाउ करता हो. और फिर क्या है? सपिंडा रिलेशनशिप. नाउ अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे तो हेडिंग है वैलिडिटी ऑफ सेकेंड मैरिज. देखो, वैसे तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सेकेंड मैरिज को रिकग्नाइज नहीं करता है, बाइगैमी को रिकग्नाइज नहीं करता है. लेकिन कब दूसरा विवाह सेकेंड मैरिज वैलिड माना जाएगा, उसे लॉफुल माना जाएगा? तो एक केस है हमारे पास सुरेश खुल्लर वर्सेस विजय कुमार खुल्लर. सुरेश खुल्लर वर्सेस विजय कुमार खुल्लर. इस केस में क्या था? इस केस में बेसिकली ये बताया गया है कि कब सेकंड मैरिज वैलिड मैरिज माना जाएगा. तो कहता है वेयर ऑन द डेट ऑफ सेकेंड मैरिज, दूसरे विवाह के समय में या दूसरा विवाह जिस दिन हो रहा है उस दिन तक हस्बैंड हैड डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ, हस्बैंड ने अपने पहली पत्नी को तलाक दे दिया हो और जो डाइवोर्स है वो कोर्ट ने 4 साल पहले ग्रांट कर दिया हो, एंड डिक्री ऑफ डाइवोर्स अगेंस्ट फर्स्ट वाइफ वॉज नॉट सेट असाइड टिल द डेट ऑफ सेकेंड मैरिज. और कह रहा है कि फर्स्ट वाइफ के रिस्पेक्ट में 4 साल पहले जो डिक्री ऑफ डाइवोर्स कोर्ट ने ग्रांट किया था वो दूसरे विवाह के समय तक सेट असाइड नहीं किया गया हो. तो वैसे केसेस में जो सेकेंड मैरिज होगा वो वैलिड माना जाएगा. ये कहा गया था सुरेश खुल्लर वर्सेस विजय कुमार खुल्लर के बारे में. एक लीडिंग केस है. आपसे अगर कोई पूछे कि कब सेकेंड मैरिज वैलिड होगा तो आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हो. दूसरा केस है हमारे पास लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. क्या कहता है? एनी मेजर बॉय और गर्ल इज एट लिबर्टी टू मैरी और टू लिव विथ एनीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट according to his her own will because there is no any caste hurdle under this act or any other law. Lata Singh versus State of UP ke case mein court ne ye kaha ki koi bhi major boy ya major girl
उनका ये लिबर्टी है, उनका ये फ्रीडम है कि वो किसी पर्शन से शादी कर सकते हैं, फिर चाहे वो पर्शन किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अनुसार। क्योंकि इस एक्ट के तहत कास्ट कोई हर्डल नहीं है कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसी कास्ट में आपको शादी करनी है, राइट। इट वॉज हेल्ड इन लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि अगर बॉय और गर्ल दोनों मेजर हैं तो वो अपने विल के अकॉर्डिंग किसी पर्सन से शादी कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, बिकॉज राइट टू मैरी एनीवन इज हिज हर पर्सनल राइट विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तीसरा है हमारे पास केस हरपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हरपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस, आइए समझते हैं। इस केस में ये कहा गया कि मेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बतासा एंड ऑर्डिनरी स्वीट डज नॉट अमाउंट वैलिड मैरिज अनलेस कस्टम प्रिवेलिंग इन कम्युनिटी ऑफ पार्टीज टू मैरिज रिकॉग्नाइजेज सच मैरिज टू बी वैलिड। अब कह रहा है कि मेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बतासा इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ दैट मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स हैज बीन सोलेमनाइज्ड। दो पर्सन्स हैं ए और बी, ये दो पर्सन्स लोगों के बीच में कोई मिठाई बांट देते हैं और ये कहते हैं कि हम दोनों की शादी हो गई है, उसी के अवसर पर आप लोगों को मिठाई बांटा जा रहा है, तो ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जब तक ये दोनों पार्टीज टू द मैरिज जो अपने आप को हस्बैंड एंड वाइफ बता रहे हैं ये प्रॉपर सेरेमनीज को नहीं निभाए हों और पर्सन्स होने चाहिए जो इनके शादी के साक्षी के तौर पे होने चाहिए, तो सेरेमनीज ऑफ मैरिज मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय दीज टू पर्सन्स, और वही क्या है, एक प्रूफ है, ना कि केवल बतासा कोई स्वीट ऐसे ही बांट देना और कह देना कि हमारे बीच शादी हो गया है, इट इज नॉट अ प्रूफ। ये कहा गया था हरपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज से, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं, एक और केस विच इज़ गिवन इन योर बेयर एक्ट, वो है श्रीमती माधवी रमेश दुदानी वर्सेस रमेश कुमार दुदानी। इसमें क्या कहा गया, आफ्टर मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, विवाह के बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार वाइफ ऑब्जर्विंग हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज, वाइफ जो है वो हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज हिंदू कस्टम्स को फॉलो करती थी, जैसे पूजा करती थी, हवन करती थी, रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिरों में जाया करती थी हस्बैंड के साथ, एंड शी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज हिंदू बाय द फैमिली फॉर 8 ईयर्स, और परिवार के लोगों के द्वारा भी उसे हिंदू स्वीकार कर लिया गया था। तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि शैल बी प्रिज्यूम टू हैव कन्वर्टेड इनटू हिंदू फ्रॉम क्रिश्चियन बाय प्रीस्ट प्रायर टू द मैरिज एंड सच मैरिज शैल नॉट बी वॉइड फॉर वॉन्ट ऑफ स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ कन्वर्जन।
तो इस केस में बेसिकली यही कहा गया कि अगर एक महिला या वाइफ किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करती है लेकिन उसने हिंदू राइट्स को, हिंदू सेरेमनीज को अपना लिया है, पूजा करती है, मंदिर जाती है और परिवार के लोगों ने भी उसे हिंदू स्वीकार कर लिया है, तो अब यहाँ पे उसे प्रूफ नहीं देना होगा कि सी हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिश्चियन टू हिंदू, राइट। मान लिया जाएगा कि वाइफ जो है वो हिंदू हो चुकी है, वो हिंदू मानी जाएगी। तो ये कहा गया था श्रीमती माधवी रमेश दुदानी वर्सेस रमेश कुमार दुदानी। एक और केस है हमारे पास देवी रवा एंड अदर्स वर्सेस गंगवा। इस केस में ये कहा गया कि सेकेंड मैरिज कैनॉट बी वैलिड अनलेस फर्स्ट मैरिज इज डिसॉल्व, जब तक जो फर्स्ट मैरिज है वो पूरी तरह से इन द आई ऑफ लॉ डिसॉल्व नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक सेकेंड मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये कह देना कि जो पहली वाइफ थी वो सन्यासी हो चुकी थी, उसने इस संसार का त्याग कर दिया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सेकेंड मैरिज कर रहा हूँ। इट इज नॉट ग्राउंड टू वैलिडेट द सेकेंड मैरिज एज वेल एज टू डिसॉल्व द फर्स्ट मैरिज, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सेकेंड मैरिज सोलेमनाइज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी के जीवित रहते या पहले शादी के डिसॉल्व, अगर पहला शादी डिसॉल्व नहीं हुआ है और पहली पत्नी जीवित है, हस्बैंड अगर सेकेंड मैरिज करता है तो वो अपने आप में वॉइड है, और जो सेकेंड वाइफ है वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसे जो है गवर्नमेंट पेंशन नहीं मिलेगा अगर वाइफ गवर्नमेंट सर्विस में था, तो सेकेंड वाइफ विल नॉट बी एबल टू गेट पेंशन, राइट। अब 29/12/1999 29 दिसंबर 1999 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के तहत जब हम सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी को देखते हैं जो कि कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज neither party suffering from recurrent attacks of insanity, तो इस amendment के बाद ये provision डाल दिया गया कि जो epilepsy है जिसे आप मिर्गी रोग कहते हो is no longer a ground for declaration of legal marriage to be a nullity, particularly when evidence on record shows that she was not suffering from epilepsy either prior to or at the time of marriage. तो इस amendment के बाद ये प्रावधान किया गया section 5 के subsection 2 के clause C में कि जो epilepsy है, जो मिर्गी रोग है, वो एक ground नहीं है किसी marriage को null and void declare करने के लिए, particularly on this ground
और अगर हमारे पास एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि सी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, विवाह से पहले वो एपिलेप्सी से सफ़र नहीं कर रही थी, या एट द टाइम ऑफ मैरिज सी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, ठीक है, तो ये एक प्रूफ है। वैसे तो कोई ग्राउंड नहीं है, एपिलेप्सी इज नो लॉन्गर अ ग्राउंड, लेकिन अगर हमारे पास प्रूफ हैं, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो हम इसे और भी क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि वाइफ जो है वो शादी से पहले एपिलेप्सी से सफ़र नहीं करती थी, शादी के दिन तक वो ठीक थी। ठीक, अब देखो इसमें लिखा है कि सी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो आपको अपने सर से, अपने प्रोफेसर से ये बस पूछना है कि सर यहाँ पे क्यों सी है, क्या ये जो प्रोविज़न है वो केवल और केवल वाइफ पर एप्लीकेबल है, क्या ये हस्बैंड पर एप्लीकेबल नहीं है, या केवल ये एक मिस्टेक है हमारे बेयर एक्ट में और इसे सुधारना चाहिए। तो आप ये अपने सर से पूछ सकते हो, और ये एक मेरा भी क्या है डाउट है, कमेंट बॉक्स में अगर आपके सर क्या कहते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 5 जो कि कहता है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। आई होप कि ये जो 5 कंडीशंस हैं और ये जो हमने 4-5 केस लॉज देखे, इस लेक्चर के थ्रू सेक्शन 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।